नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप में ट्रंप का सरेंडर। 20 मिनट जेल में रहे पहली बार किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की आरोपी की तरह फोटो खींची गई। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार सुबह फुल्टन काउंटी पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और फुल्टन काउंटी जेल ले गई। उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में कैदी नंबर P01135809 के रूप में दर्ज किया। ट्रंप की आरोपी की तरह तस्वीर खींची गई। 20 मिनट बाद वो जेल से बाहर आ गए। इसी के साथ ट्रंप अमेरिका से पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिनका कैदियों की तरह मगलिस्ट किया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने रिहाई के पहले शर्तों के साथ $2,00,000 का बॉन्ड भरा है। जेल से बाहर आने के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ट्रंप पर जॉर्जिया में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को पलटने के लिए धोखाधड़ी, धमकी देने और जालसाजी के आरोप हैं। उनके अलावा इस मामले में 18 और लोगों की आरोपी ठहराया गया है। ट्रंप पर जालसाजी, धोखाधड़ी के हैं आरोप। BBC के मुताबिक सभी आरोपियों को एक आपराधिक संगठन बताया गया है और उन झूठे बयान देने, जालसाजी, गवाहों को प्रभावित करने, राज्य का धोखा देने की साजिश करने, चोरी और झूठी गवाही के चार्ज लगाए गए हैं। इनमें से सबसे गंभीर चार्ज रैकेटियर और करप्शन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के उल्लंघन का है। इसमें ट्रंप को 20 साल जेल की सजा भी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर पर। ईसाई प्रेयर हाउस में तोड़फोड़, आरोपी बोले ये हिंदू राष्ट्र है। धर्मांतरण का आरोप या कलावा बांधने की लड़ाई, VHP BJP कटघरे में। हम लोग संडे को प्रेयर कर रहे थे तभी बाहर कुछ शोर हुआ। मैंने एक साथी से कहा कि बाहर जाकर देखो, अचानक 15 से 20 अनजान लोग अंदर घुस आए। ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कहने लगे कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इसके बाद कुछ लड़कों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और हमें पीटने लगे, बाइबिल भी फाड़ दी। पास्टर सतपाल भाटी ये कहानी सुनाते हुए दुख और गुस्से में नजर आते हैं। 20 अगस्त की सुबह दिल्ली के ताहिरपुर गांव में पास्टर सतपाल के घर पर एक भीड़ ने हमला कर दिया था। ताहिरपुर गांव दिलशाद गार्डन इलाके में आता है। आरोप है कि हमला करने वाले विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और BJP से जुड़े हुए हैं। MNS न्यूज इस मामले की पड़ताल करने के लिए ताहिरपुर पहुंचा। हमारी मुलाकात वहां सतपाल भाटी के अलावा आसपास के लोगों से हुई। हमने आरोपियों से भी बात की। छानबीन में तीन अलग अलग बातें निकल कर आई है। पहला, हिंदू पक्ष का आरोप है कि पास्टर सतपाल के घर में धर्मांतरण कराया जाता है। दूसरा, सतपाल भाटी का आरोप है कि हिंदूवादी संगठनों के 20 अगस्त की सुबह प्रेयर के दौरान हमला किया गया। तीसरा, आसपास के लोगों ने बताया कि हमले में VHP या बजरंग दल के लोग शामिल नहीं थे, हमलावर मोहल्ले के ही कुछ लोग हैं। पहले जान लीजिए 20 अगस्त को क्या हुआ था। ताहिरपुर गांव में घुसते ही एक सकरी गली है, इसी से सतपाल भाटी का घर है। पहली मंजिल पर किराएदार रहते हैं, सतपाल पत्नी के साथ दूसरी मंजिल पर रहते। वे 13 साल पहले नोएडा से दिल्ली रहने आए थे, तब ये घर लिया था। सतपाल बताते हैं कि घर खरीदते वक्त मैंने अपनी पहली शर्त यही रखी थी कि ग्राउंड फ्लोर पर प्रेयर हाउस बनेंगे। 10 साल से मैं प्रेयर हाउस चला रहा हूँ। आसपास के कई परिवार मुझसे जुड़े और अब हर संडे को सब मिलकर प्रेयर करते हैं। 20 अगस्त रविवार की सुबह करीब 10:40 पर 30 से 35 लोग इसी जगह प्रेयर कर रहे थे। सतपाल बताते हैं कि प्रेयर के बीच में ही भीड़ प्रेयर हाउस में घुस आई। उनके पास माइक और ट्रॉली वाला स्पीकर था। उन लोगों ने बिना कुछ पूछे या बिना बात किए हमला कर दिया। यीशु मसीह की फोटो तोड़ दी, हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ड्रम, ढोलक और कांगे तोड़ दिए, कुर्सियां भी तोड़ दी। इस मामले में नंदकिशोर, राधे हिंदू और पंकज हरि समेत 5 लोगों के सामने आ रहे हैं। पुलिस ने ताहिरपुर के नंदकिशोर पाल को अरेस्ट कर लिया है। चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि मोदी एक दिन के दौरे पर ग्रीस पहुंचे। ब्राउस मिसाइल को लेकर डील हो सकती है। इंदिरा के बाद यहां जाने वाले मोदी दूसरे हैं PM।
BRICS समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस पहुंच गए। वो शुक्रवार को एंथेस के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड हुए। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ग्रीस गई थी। ग्रीस सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के साथ 12 भारतीय बिजनेसमैन भी एंथेस पहुंचे हैं। इनकी मुलाकात ग्रीस के बिजनेसमैन से कराई जाएगी। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस कॉरपोरेशन पर चर्चा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस काफी समय से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी को दौरे पर ग्रीस को भारत का ब्रह्मास्त्र ही कहा जाने वाला ब्रह्मोस मिसाइल मिलने पर डील हो सकती है। तुर्की पाक के गठजोड़ को भेदने ग्रीस जा रहे हैं पीएम मोदी। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। इतना ही नहीं, पाक और ईरान तेजी से डिफेंस साझेदारी बढ़ा रहे हैं। अप्रैल 2023 में तुर्की ने पाकिस्तान को बायर कतार TB2 ड्रोन दिए। ये ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। पाकिस्तान को यह ड्रोन मिलना भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। पाक तुर्की के गठजोड़ को भेदने के लिए पिछले साल अगस्त के महीने में भारतीय वायुसेना के चीफ VR चौधरी ग्रीस गए थे। इस बीच दोनों देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए बातचीत हुई। दरअसल ड्रोन के खतरे को देखते हुए तुर्कियों का दुश्मन ग्रीस अब भारत का साथ देने को तैयार है। ग्रीस इस ड्रोन के रडार से जुड़ा हुआ अहम डेटा भारत के साथ शेयर कर सकता है। बरिया कतार ड्रोन के छोटे होने की वजह से इन्हें रडार पर डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में भारत के साथ साझा की गई जानकारी काफी अहम होगी। इसके बदले भारत ग्रीस को ब्रह्मोस दे सकता है। इस इंटरव्यू के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD अतुल दिनकर ने बताया था कि भारत के ब्रह्मोस बेचने के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय के साथ किया गया। इसके अलावा कई नाटो देशों इसे खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV अब डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।